हेलो फ्रेंड्स, आज है 19 अप्रैल 2020 और आज के पेपर में क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हम एस्पिरेंट्स के लिए, उन पॉइंट्स के साथ मैं दीपशिखा आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। मेन पेज पर हमारी दो न्यूज़ आई हैं। पहली मैं हेडिंग पढ़ के बता देती हूँ, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। पहली है नगर पालिका निगम एक्ट में संशोधन की कवायद, प्रशासनिक समिति बनाकर पिछले महापौर और अध्यक्ष को कमान देने की तैयारी, अधिनियम में विशेष परिस्थितियों में प्रशासनिक समिति बनाने का प्रावधान। दूसरी न्यूज़ है किसानों को 0% ब्याज दर पर फसल ऋण, प्रदेश के किसानों को 2020-21 में 0% ब्याज दर पर फसल ऋण मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मंत्रालय में वित्त एवं सहकारिता विभाग की बैठक में निर्णय लिया। उसी में एक और न्यूज़ है, निजी चिकित्सा कर्मियों का भी होगा 50 लाख का बीमा। अंदर के मेन पेज पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पहले गूगल बना रही है एप्पल जैसा स्मार्ट डेबिट कार्ड जो कि गूगल पे से ऐड हो जाएगा। सेकंड, इन्फोसिस विप्रो में वर्क फ्रॉम होम 3 मई तक। सेकंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मंजूरी के बाद ही पड़ोसी देशों से आएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। कोरोना महामारी के बीच भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण का खतरा भांपते हुए सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नियम सख्त कर दिए हैं। पेज नंबर 2 पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है, भास्कर 360 डिग्री का जो एक आर्टिकल दिया हुआ है बड़ा सा, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको निकल जाएंगे, पूरा पढ़िएगा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। वायरस की सूचना से महामारी घोषित करने तक WHO ने 72 दिन लिए थे, तब तक 114 देशों में फैल चुका था कोरोना। पहले इबोला, अब कोरोना। WHO पहले भी अपने तरीकों को लेकर निशाने पर रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये द इकोनॉमिस्ट के विशेष अनुबंध के तहत से दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ है ये लेख, इसको पढ़िएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि MPFA यानी कि मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ की रेफरी कमेटी ने 3 रेफरियों को किया सस्पेंड, ये आप पढ़ लीजिएगा। सेकंड है, अगस्त सितंबर में कैरेबियन प्रीमियर लीग से रिलेटेड न्यूज़ है, CPL से अलग विंडो तलाशेगा BCCI। नेक्स्ट न्यूज़ है, अब वर्चुअल डोप टेस्ट, अमेरिका की एंटी डोपिंग एजेंसी खिलाड़ियों से बिना मिले उनका ऑनलाइन टेस्ट कर रही है। इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिल जाएंगे। फिर कोरोना अपडेट वाले पेज के सेकंड लास्ट पेपर में हमसे हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, राज्यों से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को कहा ICMR ने। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सभी राज्यों को COVID-19 हॉटस्पॉट की पहचान के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने को कहा है। इसलिए सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी व प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को चिट्ठी लिखी गई है। सेकेंड है, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं पर झुंझुलाए राष्ट्रपति, लॉकडाउन का आदेश देने वाले गवर्नर को हटाएं, ट्रंप ने कहा है ये। नेक्स्ट न्यूज़ है, ब्रिटेन से महारानी के जन्मदिन पर गन सैल्यूट नहीं होगा, कोरोना के चलते पहली बार टूटेगी परंपरा। नेक्स्ट न्यूज़ है, पाकिस्तान रमज़ान के दौरान सामूहिक नमाज की इजाज़त, सोशल डिस्टेंसिंग में 6 फीट की दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य किया। लास्ट पेज पर हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं, पहली कोरोना की, फिक्की ने विमानन उद्योग के लिए राहत पैकेज की मांग की। सेकंड है, पूर्व PM मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का 11 सदस्यीय सलाहकार समूह। और थर्ड है, कोरोना को देखते हुए जारी हुआ आदेश, एक्सपायरी डेट से कुछ पहले की दवा के आयात को मंजूरी, अभी एक्सपायर होने में 60% से कम समय बचने पर आयात की नहीं थी इजाज़त। और क्या है शेल्फ लाइफ, ये भी दिया हुआ है, आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के पेपर में जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं, बता दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। और अगर नोट ऑलरेडी कर चुके हैं, कोई पॉइंट्स छूट गए हों आपके, तो उन्हें अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो आपको पता चल गया होगा कितने पॉइंट्स आपने मिस कर दिए हैं शायद, और कितनी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं इसमें, आपको पता चल गया होगा। प्लीज़ घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, साबुन का उपयोग करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।